बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चना चाट। वैसे तो आप इसे इमली की चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वैसे ही खुश्क बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आप इसमें ये खट्टी मीठी इमली की चटनी ना भी ऐड करें, लेमन और टाटरी ना यूज़ करें, तो भी ये बहुत ही टेस्टी खारेदार चटपटी सी बनती है। वो कैसे, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलें आज की इस रेसिपी का आगाज इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तखत सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। चना चाट की बहुत ही टेस्टी रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ आजकल में ही बहुत सारी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज की ये रेसिपी हम थोड़ी सी ऑयल के साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट एक बड़ा चम्मच कुकिंग ऑयल का लिया है और वो भी सरसों का ऑयल है। इसे आपने कैसे घर पे साफ़ करना है, इसकी बहुत सी रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसमें जस्ट मैंने एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। इसे हमने बहुत ज़्यादा भून के ब्राउन नहीं करना है, जस्ट इतना सा ही भूनेंगे कि इनकी जो खुशबू है वो हल्की हल्की सी उठने लगे। उसके बाद हम इसमें 2.5 कप उबले हुए चने ऐड करेंगे। चनों को आपने प्रॉपर कैसे बॉयल करना है, जस्ट 5 से 10 मिनट में ही, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ। उसके बाद 1 चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच इसमें नमक ऐड करेंगे, अपनी पसंद से इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच यहाँ पे मैंने जीरा पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच इसमें खुश्क धनिया पिसा हुआ ऐड करेंगे। आप चाहें तो ये तमाम मसाले स्किप करके इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब सीक्रेट क्या है, ये है इमली का पानी। इसको मैंने पकाया नहीं है, मेरा मतलब है ये जस्ट इमली का पानी है, इमली की चटनी नहीं है। जस्ट आपने इमली को भिगो देना है, उसके बाद आपने इसको छान लेना है, बस इमली का पानी रेडी हो गया है। ठीक है, तो 1/4 कप अगर आप इमली को भिगोएंगे 1 कप पानी में, तो इतना ही पल्प उसका रेडी होगा। अब हमने इसे अच्छी तरह से इसमें कोट करना है। तमाम पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड किया था क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चने इसमें कितना पानी जज़ब करेंगे। अब हमने इसका पानी खुश्क होने तक इसे पकाना है। चूल्हे की आंच को मैंने दरमियाना ही रखा हुआ है, इसलिए ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे पानी जज़ब करने में। जब चने अच्छी तरह से पानी सोख कर लेंगे पकने के बाद, तो ये बहुत ही खटास वाले, बहुत ही चटपटे से रेडी होंगे। चूल्हे की आंच को बंद करके इसे कवर करके हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। मैंने क्योंकि वीडियो का काम ख़त्म करना था, इसलिए मैंने इतना इंतज़ार नहीं किया। अब इसमें बाकी अज्जा ऐड करेंगे। इसमें ऐड करूँगी मैं 1 कप उबले हुए आलू, साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 2 मीडियम कटे हुए लिए हैं मैंने, 1/2 घंटी इसमें धनिया के लिए मैंने, 3 से 4 चम्मच पुदीना बारीक बारीक सा काट के ऐड किया है, और 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज को अच्छी तरह से मैंने पहले बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था, फिर अच्छी तरह से वॉश किया है, उसके बाद इसमें ऐड किया है। ठीक है, आप चाहें तो मज़ीद खटास के लिए इसमें टाटरी वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप यकीन करें जो इमली का पानी हमने डाला है उसके बाद ना तो इसमें लेमन जूस ऐड करने की ज़रूरत है और ना ही टाटरी ऐड करने की ज़रूरत है। 1 चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है, अगर आप इसे स्किप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही साथ 1 चम्मच मैंने इसमें सब्ज़ मिर्च, धनिया और पुदीना की चटनी ऐड की है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। बस तमाम अज्जा को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमारी चना चाट अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। पुदीना अल्हम्दुलिल्लाह घर में ही मैंने गमले में ही उगाया हुआ है और जब भी गार्निश की ज़रूरत पड़ती है ये बहुत काम आता है। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ही फ्रेश पत्ते हैं इसके। बस गार्निश हम इसको इसके साथ करेंगे। आप चाहें तो इसके साथ इमली की चटनी भी सर्व कर सकते हैं और दही वाली जो पुदीने वाली चटनी होती है वो भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये उसके बगैर भी बहुत ही टेस्टी लगती है क्योंकि आज हमने इसे ग्रेवी वाला रेडी नहीं किया है बल्कि खुश्क खुश्क ही रेडी किया है। ये वैसे भी बहुत ही चटपटी और बहुत ही लजीज है अल्हम्दुलिल्लाह। आप यकीन करें अगर आपके पास बॉयल चने ऑलरेडी मौजूद हैं तो 10 मिनट भी नहीं लगते हैं ये रेसिपी बनाने में और झटपट आप बहुत ही टेस्टी सी चना चाट रेडी कर सकते हैं। रमजान स्पेशल बहुत सी चाट की रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा खजूर के साथ हमने इमली की चटनी को रेडी किया था, खुबानी के साथ इमली की चटनी को रेडी किया था, आलू बुखारे के साथ इमली की चटनी को रेडी किया था। इन तमाम रेसिपीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझे बताएंगे तो मेरे लिए इनाम से कम नहीं होगा। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी जरूर प्रेस करें। जजाकल्ला। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।